હે ગાઈઝ ગુડ મોર્નિંગ વેલકમ બેક ટુ અનધર બ્લોગ। તો કેમ છો બધા? જય માતાજી। તો સવારના 7 વાગી ચૂક્યા છે અને ચાલો હવે આપણે વાડીએ જવાનું છે, કારણ કે ત્યાં રોટાવેટર આવી રહ્યું છે જે પાછું ચલાવવાનું છે આજે। તે દિવસે પહેલાં આની પહેલાં બ્લોગ તમે ડેઇલી જોતા હશો તો ખબર હશે, આની પહેલાં જ્યારે આવેલું હતું ત્યારે ચાલ્યું નહોતું એટલે હવે પાછું બોલાવ્યું છે। તો ચાલો વાડીએ જઈએ, એની પહેલાં ચા પી। તો ચલીએ પીતે ચા, ગરમા ગરમ ચા જો આગ ચૂકી હે। और कमेंट जरूर करना कि कौन कौन लोग सुबह उठते ही गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, अभी सोच रहे खाना खाने जाए या नहीं जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। रोटावेटर आया था, थोड़ा सा ही चला पाया। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो वहाँ पर जो लाइन दिख रही है खेत के बीच में, दिख रहा है आपको वहाँ पर जो लाइन बीच में दिख रही उतना चलाया, लेकिन खेत अभी भीगा हुआ था। और कैमरे का रिजल्ट बोलना कि कैसा आ रहा है। अभी ऊपर बादल छाए हुए हैं, बहुत मस्त वातावरण बना हुआ है। अभी नीम के पेड़ के नीचे हम बैठे हैं और इस तरफ भी बादल है, देखो बहुत ही अच्छा लुक तो आ रहा है। करेला बी मांडवीना दाल और कच्चे केले की ये खिचड़ी बनाई है सब्जी की जगह, और भात यानी कि चावल और ठंडी ठंडी छाछ। तो खाई लियो छानुमना। तो ये है मधुमक्खी, हनी बींस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ये दक्ष राज के पैरों पर काट कर चली गई। चली तो नहीं गई, दक्ष ने पैर रख दिया था, जमीन पर थी और दक्ष ने पैर रख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो कहाँ दिखा रहा हूँ, उंगली भी नहीं समझ में आ रही कहाँ जा रही। देखो यहाँ पर दिख रहा है जो छोटा सा बिंदु है ना वहाँ पर। तो इस मधुमक्खी पे दक्षराज का पैर आ गया और इसकी जान निकल गई, और जान निकलते निकलते इसने दक्षराज को काट लिया। और दक्षराज का ये हाल है, आज रो रहा था। मैं रो नहीं रहा था, इस मेरा पैर इसके सर पे आ गया था ना, तो उसने काट लिया, मैंने उसकी जान ले ली। सिंपल। वाह, क्या तुम्हारा क्या बोलते हैं वो क्या? है ये जेरी मधुमक्खी है फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ की देसी नहीं होती, वो तो छोटी होती है, इसके एक पंख के बराबर वो मधुमक्खी होती है। तो आज का थंबनेल तो यही बनेगा, दक्षराज को काट लिया मधुमक्खी ने। तो आई गाइस, हमारा खाना हो गया है। और एक और बात की मैंने आपसे एक बात की थी कि आज खाने में कुछ स्पेशल है, जो केले की खिचड़ी थी। केले की खिचड़ी खाने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो मैं आप, कच्चा केला पोटेशियम का खजाना होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, साथ ही ये शरीर दिन भर एक्टिव भी बना रखता है। उसमें मौजूद विटामिन बी सिक्स विटामिन सी कोशिकाओं को पोषण देने का काम करता है। कच्चे केले में सेहतमंद स्टार्च होता है और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट
भी होता है, इसलिए केला खाना चाहिए। केला खाने से कोरोना टाइम में भी काफ़ी शरीर में क्या बोलते हैं एक्टिव रहता है शरीर, इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और कई फायदे हैं जो मैं ऊपर ऊपर से 6 फायदे आपको बताऊं। जो पहला फायदा है वो फ्रेंड्स, हमारा कच्चा केला खाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। तो पाचन तंत्र मजबूत हो तो सारी शक्ति हमें पाचन तंत्र से ही मिलती है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वहीं पाचन होके हमारे शरीर में मिलता है। तो इसलिए वो इस हिसाब से भी केला बहुत बढ़िया है। और दूसरा फायदा है, भूख और वजन दोनों कम करता है। कि जो हैवी मेरे जैसे है भाई दोस्त बहने, उसे कच्चे केला खाना चाहिए, पका हुआ नहीं खाना चाहिए, कच्चा केला खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वजन कम होता है। और हाँ, शुगर की जिसको प्रॉब्लम है उसे शुगर भी उससे कंट्रोल होता है कच्चा केला खाने से। इसलिए शुगर की बीमारी वालों को भी कच्चा केला लाभदायी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग से कच्चा केला खाने से लाभ होता है उस रोग में भी, ऊपर ऊपर से मैं बताऊंगा और लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। और अभी जो बहुत कि कैंसर से भी कच्चा केला खाते रहिए हम, तो कैंसर से भी बचा जा सकता है। और छठा और आखिरी इसका फायदा ये, स्वस्थ हृदय के लिए, जो हमारा पंपिंग सिस्टम है, हमारा हृदय जिसके ऊपर हमारा सारा शरीर निर्भर करता है, उसमें भी ये फायदा करता है। उसकी जो कार्य प्रणाली होती है उसमें ये फायदा करता है। तो कोरोना में भी बेशक फायदा करेगा ही, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।